शौक बड़ी चीज है, पर शौकों का जुनून में बदलने का नाम है डॉक्टर विभूति भूषण राय। जी हाँ, डॉक्टर राय महात्मा गांधी और उनके दर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गांधी जी के दुर्लभ डाक टिकटों को संजोना शुरू किया। आज उनके पास दुर्लभ डाक टिकटों का एक अनुपम संग्रह है। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना काल में अब अस्पताल जैसी व्यवस्था आपके घर पर, खास मेडिकल इक्विपमेंट की रेंटल सुविधा देते हैं हम। हम हैं श्री बालाजी बायोमेडिकल्स, पीस रोड बिहाइंड BIT एक्सटेंशन, लालपुर, रांची। कॉल 920-485-800/01/02/03/04, ईमेल sbbm17@gmail.com। ये है डॉक्टर विभूति भूषण राय, जो भारतीय स्टेट बैंक के HEC एरिया ब्रांच में काम करते हैं। लेकिन ये इनका पूरा परिचय नहीं है। इनको ख्याति मिली महात्मा गांधी के दुर्लभ डाक टिकट संग्रह करने के लिए। डॉक्टर राय की दर्शकों की मेहनत, लगन और जुनून का ही नतीजा है कि आज इनके पास देश और विदेश की महात्मा गांधी से जुड़ी दुर्लभ डाक टिकट है। आजादी के पूर्व से लेकर आजादी तक की बापू से जुड़ी डाक टिकट संग्रहित है। इन डाक टिकटों में ना केवल भारत की बल्कि विदेश में भी बापू से जुड़ी डाक टिकट शामिल है। पेशे से बैंकर डॉक्टर विभूति भूषण राय के इस अजीबोगरीब शौक का आलम यह है कि अगर रांची में डाक विभाग को बापू के जीवन से जुड़ी डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगानी होती है तो वो भी डॉक्टर राय से संपर्क करते हैं। लटेली जो है उसका आम लोग समझते हैं कि डाक टिकट संग्रह करना मतलब, लेकिन आजकल हो गया है यह थीमेटिक, किसी एक विषय पर गहन अध्ययन। तो मैं पहले से गांधी जी पर कलेक्शंस किया करता था, क्योंकि गांधी जी का जीवन बहुत सादगी और एक सत्याग्रह आंदोलन और नमक आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति में उनका सहयोग और अहिंसा के क्षेत्र में उनका जो विश्व में अपना और उसी पर इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे बना है और अंतर्राष्ट्रीय विश्व अहिंसा दिवस, उसके उपलक्ष्य पर मोराबादी में जो आप मूर्ति देखते हैं वो उसी दिन उसी वर्ष लगा था। उस पर हमें कला संस्कृति विभाग से एक इनविटेशन मिली थी कि आपको एक स्टॉल लगाना है। रांची के रहने वाले डॉक्टर विभूति भूषण राय भारत स्टेट बैंक के HEC सेक्टर 2 में काम करते हैं। बापू के जीवन से जुड़ी डाक टिकटों को इकट्ठा करके रखने का उनका बचपन से ही शौक रहा है। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों और प्रदेशों से टिकट का इस संग्रह को तैयार किया है। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्तों और सगे संबंधियों की मदद ली। डॉक्टर राय को जब भी मौका लगता है वो अपने इस शौक को पूरे करने में लग जाते हैं। गांधी जी रिलेटेड स्टैम्प्स हमारे पास 1946 के आसपास से प्रारंभ है, क्योंकि उसके पहले गांधी जी के पर स्टैम्प्स नहीं निकली थी। उनका जीवन अपना स्वतंत्रता संग्राम में लिप्त था और वहाँ से लगभग स्टैम्प्स, कुछ रेयर स्टैम्प्स मेरे पास नहीं है, दुर्लभ है और वो बहुत ही दुर्लभ है। उसके बाद ये सिलसिलवार ढंग से हमारे पास है और गांधी जी के साथ साथ कस्तूरबा जी का और विभिन्न इवेंट्स का, जैसे सत्याग्रह आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे का अलग से रिसर्च है। डॉक्टर विभूति भूषण राय केवल बापू से जुड़ी टिकटों और पत्रों का ही संग्रह नहीं करते हैं, बल्कि बापू को अपने अंदर आत्मसात करने को भी कोशिश करते हैं। यही नहीं, डॉक्टर राय की गांधी से जुड़ी इस अनुपम संग्रह में गांधी जी की लिखी पोस्टकार्ड भी शामिल है। दरअसल गांधी जी ने अपने हाथों से छपरा के किसी अधिवक्ता को पोस्टकार्ड भेजी थी। वह पोस्टकार्ड इस संग्रह को अद्वितीय बना रहा है। डॉक्टर विभूति भूषण राय का मानना है कि विचार कभी मरा नहीं करते, जैसे गांधी जी के विचार। सबरंग समाचार के लिए रांची से चित्रंजन की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।